जिंदा जी सर एशियाई जी सर पाकिस्तानी जी सर क्या साउथ एशिया साउथ एशिया भी नहीं साउथ एशिया भी नहीं एशिया तो था नहीं एशियाई करके वही तो कह रही साउथ एशिया नहीं है तो एक जिंदा पाकिस्तानी मर्द वजह शोहरत, सियासत और हुकूमत है भाई नहीं सर फजल है नहीं सर सर में क्या क्या आता सर इतना है साहब बताइए अदीब शायर सारी चीजें फजल में आती हैं। सर राइटर आप कह सकते हैं लेकिन वजह शहरत नहीं, 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 नहीं है वजह शहरत नहीं ना होगी बस ठीक है यानी ये वजह शोहरत नहीं है इल्म फ वजह शहरत नहीं है राइटर होंगे को अपनी खुद नवि लिखी होगी कोई किताब एक आध लिखी होगी पहले हुआ नहीं है नो no, सर स्पोर्ट्स की तरफ जाए यस स्पोर्ट्स एंड शोब स्पोर्ट्स से कर लें शोबिज हमने अभी नहीं किया नहीं अच्छा जी शोब से ताल्लुक है जी सर हाँ स्पोर्ट्स से ज़्यादा शोबिज मेरा ख्याल था हम कर चुके हैं शोब से ताल्लुक और मतलब तो राइटर हैं तो शोबे से ताल्लुक लेकिन वजह शोहरत अदाकारी है जी सर एक जिंदा पाकिस्तानी मर्द जिसकी वजह शोहरत अदाकारी है और पढ़ने लिखने का शगफ़ रखते हैं पढ़ने लिखने का वह बस हल्का फुल्का हो सकता है कहीं कॉलम लिखते हो हो सकता है कोई छोटा मोटा कोई ऐसा कोई सिलसिला को करते हों लेकिन डेफिनेटली टेलीविजन से ताल्लुक होगा क्योंकि फिल्म की शख्सियात तो अब एक्लिप्स करती जा रही हैं एक्सटिंग्विश होते जा रहे हैं ये चिराग एज पे आए ताकि आइडिया हो जाए ज़रा यस पचास साल रखें या साठ साठ कर लें अच्छा भैया बताइए कि उम्र साठ साल से ज़्यादा है मासूफ की जी सर दैन इज मोस्ट लाइकली टू बी अ फिल्म एक्टर एज वेल नॉट टी वी अलोन अच्छा तो यह पता किया जाए कि कराची में रहते हैं आजकल आज कल तो कराची में होंगे उनका औरिजिन सूबा पहले देखिए पंजाब है सिंध है यहां से पता करें यह बताइए कि पहले चेक कर ले एक, एक करके कर लेते हैं पंजाब से जब सिंध में जाएंगे तो फिर सिंध की दो खाने हैं न सिंध से कर ले मेरे ख्याल में शुरू हां इजी फ्रॉम चांसेस फ्रॉम सिंध from, नहीं सर पंजाब जी सर ही इज अ पंजाबी 11 सवाल 11 सवाल वजह शोहरत फिल्म है सर फिल्मों में भी काम किए उन्होंने लेकिन वजह शोहरत ज्यादा जो है वो टीवी है टीवी टीवी है अच्छा फिल्म वजह शोहरत नहीं है फिरदौस जमाल कम्स टू माइंड अच्छा फिरदौस जमाल इज़ नॉट फ्रॉम पंजाब एक्चुअली ही इज फ्रॉम के पी दूसरा आ जाए शुजात हाशमी इज अ बिग नेम ही इज फ्रॉम लाहौर जो उसमें शामिल थे और हमरा में ऑफिस बेह भी रहे हैं बहुत ज्यादा वो बॉइस ओवर भी करते हैं बट टेलीविजन है उनका मेन स्पेल नहीं है कौन हम आ जाएगा तोकीर नासिर तो नहीं तोकीर नासिर तोकीर नासिर हाँ ये भी हो सकते हैं तोकीर नासिर ने पिछले से पिछले साल एक फिल्म की थी उसमें बाजवा का रोल किया था जनरल बाजवा का अच्छा वो आप पछता रहा होगा वैसे कौन जनरल बाजवा या तोकीर नासिर ऑब्वियसली <laughs> तोकीर नासिर देखिए ये क्योंकि एक्टर है साथ लिखने वेखने का भी है अलहमरा में रहे रहे वॉइस बड़े करते रहे हैं अलमरा का तो ये हेड रहा है ना हेड ऑफ अलहमरा और शायद इस्लामाबाद में भी किसी इधारे के हेड रहे हैं ये पाकिस्तान काउंसिल ऑफ द आर्ट्स या कुछ ऐसे ऐसी है और अंग्रेजी बोलने का काफी का शौक रखते हैं और गाजी इलम दीन का भी रोल मेरा ख्याल है इन्होंने किया टेलीविजन पे यस मेरे एक ड्रामे में इन्होंने विलन का रोल किया था पीटीवी के एक ड्रामे दरिया में इन्होंने बहुत अहम रोल किया था बहुत खूबसूरत रोल किया था सवाल पूछे और आ, एलिमिनेट करें अच्छा जी से एलिमिनेट करें नहीं नहीं बजाय सरकारी के हेड रहे हैं दोनों कवर हो जाएंगे इस्लामा भी लाहौर भी भाई अगर मैं कहूं कि ड्रामा दरिया में काम किया था तो इसमें यह भी क्लियर हो जाता है पीरू भी क्लियर हो जाता है टू इन वन है ये किन झटो में पड़े समझे कुछ टेक्निक भी अप्लाई किया करें अच्छा जनाब ये बताइए के एक ड्रामा था बड़ा शोरा फाक दरिया उसमें काम किया इन्होंने सर आप उनका कह रहे हैं तो मुझे वो आइडिया नहीं है लेकिन मैं नहीं मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें मेन जो अहम कैरेक्टर्स थे दो मेल्स वो एक तोर नासिर थे दूसरे उस्मान पीरजादा नहीं तो इसका मतलब है इसमें दरिया में नहीं काम किया दिस इज वट यू से सर। अच्छा जी सलमान शाहिद

ये सारे रावियंस जी 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 बहुत बाकमाल अदाकार था बहुत बाकमाल इसका अबाबील में कैरेक्टर लाजवाल था फिर आप देखिए इरफान खोसट बिल्कुल वेरी बिग नेम फ्रॉम पाकिस्तान टेलीविजन अंधेरा उजाला ये। कोर्स अंधेरा उजाला मुझे खुशी है ये बताते हुए कि मेरा ड्रामा सीरियल था नकाब उसके ओपनिंग सीन में पहला बड़ा अदाकार इरफान खोसट साहब थे सलमान शाहिद हैं, हैं। इरफान है। अब मैं चाहता हूं कि कोई एक शॉट में दो या तीन गिरे ऐसा अगर पूछ ले कि कॉमेडी रोल्स काफी किए हैं हाँ नोन फॉर कॉमेडी रोल्स तो उसमें सलमान शाहिद भी कवर हो जाते हैं क्योंकि सलमान शाहिद के जो लाजवाल रोल्स हैं ना वो कॉमेडी ही हैं और खास तौर पे खास तौर पे जो उन्होंने अबा में जो रोल किया था ना मुन्नू भाई का स्क्रिप्ट और बड़ी बाकमाल प्रोडक्शन पाकिस्तान टेलीविजन की अच्छा जनाब ये बताइए भैया कि वजह शोहरत इनकी कॉमेडी परफॉर्मेंस थी नहीं सर उन्होंने रोल किए हैं लेकिन वजह शोहरत नहीं जी ये दोनों तो निकल गए ना जी इरफान खोज भी निकल गए और सलमान शाहिद भी निकल गए फोर्टीन क्वेश्चन क्योंकि सलमान शायद ने सीरियस भी बहुत किए हैं लेकिन जो शोहरत मिली ना शहरत दवाम वो सच गप ये क्या था टाल मटोल क्या एफ एस जे बलीला, बलीला, बलीला भी था टालमटोल भी था और सच गपी शोब हाशमी बहुत बड़ा नाम कितना बड़ा नाम है कैसे कैसे लोग थे शोएब हाशमी के साथ मेरा तो झाती ताल्लुक बड़ा गहरा था ना कि गवर्नमेंट कॉलेज के हवाले से बड़ी मोहब्बत देते थे बड़ा प्यार देते ये दो प्रोफेसर थे इकनॉमिक्स के एक ये और एक यामीन डार साहब हामिद यामीन डार वंडरफुल प्रोफेसर वंडरफुल और प्रोफेसर शुएब हाशमी बड़े ही बामाल अच्छा जी वापस आए बंदे की तरफ शख्सियत कौन जहन में आ रही है भाईजान? जान उन्होंने कॉमेडीट कर दी है बहुत सारे किए हैं वारिस की कास्ट में शुजात हाशमी रह गए बाकी मुनवर सईद मुनवर सईद वाज़ फ्रॉम कराची नो हाँ, नो no, no, मुनवर सईद ही इज़ माशाल्लाह वो बकैदे हयात हैं उनके बेटे थे ना पंजाब बैंक के प्रेसिडेंट जो उस वो में भी कर वो भी, भी माशाल्लाह वो भी सर्वाइव कर गए इतना बड़ा साना बाकी खातन में उनकी अहलिया का रोल निगत भट्ट ने किया था उनका इंतकाल हो गया हाँ औरंगजेब लगारी लेकिन औरंगजेब लगारी बड़ी देर से गायब हैं। वो नहीं है उस पर तो उनसे अच्छा वो रोल प्ले कोई नहीं कर सकता था बस सिर्फिलिटी में मार खा गए ये लोग ये बिल्कुल के उसमें आ जाते थे हालांकि बड़ा बाकमाल अदाकार था बहुत

और लाहौर के बड़े सीरियल्स को जेन में आते हैं पुराने हम तो खैर बहुत ही पीछे जा पड़े हैं <laughs> सिक्सटी ईयर्स का मतलब ये तो नहीं ना कि हम बहुत ही पाटे पुराने दौर में चले जाएं आ, बानो आपा के ड्रामे बहुत सारे मोहम्मद निसार हुसैन ने जो डायरेक्ट कर रखे हैं उनके हीरोज देखिए उनके लेकिन जो बड़े बड़े जिसने कोई ड्रामे वगैरह लिखे भी हों वो सारे मतलब जो बहुत बड़ा नाम एक जमील मलिक मेरे बड़े फेवरेट थे वो मुझे प्यारे बहुत लगते थे बात उनकी अदाकारी पे नहीं हो रही वो प्यारे बहुत लगते थे और टीवी की स्क्रीन सज जाती थी जब वो फ़िक्रा बोलते थे मैं बहुत मुतासर था उनसे मेरे बहुत ही फेवरेट थे वो मुझे प्यारे लगते थे बहुत एक वो बहुत शानदार थे राइटर भी थे फिर अनवर सज्जाद मरहूम तो ये तो थिंग ऑफ द पास्ट होगी ना ये तो किस्सा है पारीना हो गया ना भाई वैसे जब भी हम पी की तरफ जाते हैं ना पुराने किरदारों की तरफ तो मैं गमगीन हो जाता हूँ बड़े शायर अदीब अदाकार वो एकदम विदर वे जो कर गए हैं बड़ा दुख होता है बड़ी याद आती है उनकी स्पेशली जब आप मुल्क से बाहर हों खजा एंड सन अताउ का बहुत शानदार काम उसमें एक वो था गबन औरंगजेब है उसका नाम के कुछ से मिलता है औरंगजेब ही था जो सन था और खाजा साहब थे ऑफ कोर्स अली इजाज और तीसरी थी समीना खालिद मुल्का अदब क्या ट्रायो थी यार हल और इसमें जो नहीं आरफा सदीकी वाज नॉट देयर समीना जी शी वाज देयर अच्छा उसकी बहन खाजा खाजा की बहन जी जी जी, जी खाजा सन की बहन सन का करैक्टर जवाद जी जवाद जी जो था ना औरंगजेब था हाँ जी ऐसे ही जवाद जवाद जी और के साथ मेरा ख्याल है जियो में एक आध दफा ब्यूरोक्रेट भी बना है ना हाँ वो स्टार्ट में ब्यूरोक्रेट नहीं बना वो जर्नैल का रोल उसे दिया था और बड़ा अफसोस हुआ कि उसको करंडी की सफारी शर्ट्स सिलवा कर दी और तीसरे में वो भाग गया था <laughs> <laughs> मुझे उन शर्ट्स का बड़ा गम है शान भी 60 से ऊपर होगा तो शान के कंटेम्प्रेरीज में कौन आते हैं शान 60 60 से ऊपर कब होगा शान जाने दो ही मस्ट बी ही मस्ट बी क्लोज टू 60 नो 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 शान 60 से ऊपर नहीं है और इससे जरा से जो सीनियर लोग हैं हां थोड़े से सीनियर्स थोड़ा सा कर लें को 5 एक साल ऊपर तो फिर 60 बन जाता है ना शान 52 है सर अब 52 53 बन जाते 8 साल का फर्क है शकील साहब ये पहले नहीं हुई शख्सियत नहीं ना आजकल वो ड्रामों में भी बहुत आ रहे हैं ना बाबर अली फिल्मों में आते थे पहले वो भी बिलो सिक्सटी है भाई Who else? राशिद महमूद अनदर वेरी बिग मैन वेरी बिग नेम म्यूजिक का नहीं है राशिद महमूद नो 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 जो आपने फिर शाहीन नहीं देखा नसीम एजाजी का उसमें ही वॉज रॉड्रिक या फर्दनंद था या रॉड्रिक था बड़ा बाकमाल अदाकार धुंध में मेरे साथ काम किया हुआ है उन्होंने मेरे विलन थे वो धुंध में और एक और वो वो भी एक्टर है जिसने किसी कश्मीर पे ड्रामा था जिसमें वो मेजर बना था इंडियन आर्मी का जुम्मा पड़ने के लोगों ने हाँ उसकी फैंटी लगा दी थी नहीं रिजाज वो वैसे किसी और वजह से लगाई होगी <laughs> 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 ये कश्मीर का तो ऐसे बहाना बना होगा एंड नैयर इज फ्रॉम कोयटा लेस अ वेरी बिग एक्टर अ वेरी बिग एक्टर नकाब का बदतरीन विलन नकाब में कुछ दस बारह थे लेकिन जो बदतरीन था वो नये एजाज था अच्छा जी नुमान एजाज हो चुका है पहले हो चुका है ना असद नहीं हुआ असद मलिक बिलो सिक्सटी मे बी लाइक फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सेवन फिफ्टी एट समय और भी होता था नायक ना, अयास नायक नहीं नायक वाज़ फ्रॉम इस्लामाबाद इस्लामाबाद और एक और था जिसकी शादी होते होते रह गई बाबरा शरीफ से उसका नाम था रहमान सम रहमान फैसल 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 रहमान फैसल फैसल रहमान जी फिल्मे भी की है तो ये नहीं हमने पूछा कि कोई विलन आते रहे हैं नहीं आते रहे कोई जहन में हो तो आप बताइए ना कॉमेडी तो उन्होंने कहा कि कर, की है थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत की है लेकिन वजह शोहरत ये नहीं है शफकत चीमा ने कोई टीवी प्लेस किए हैं भाई शफकत चीमा की वजह शोहरत फिल्म है पंजाबी फिल्म लाजवाल रोल उसने प्ले किया था एक ही किरदार जो याद रह गया शोब मंसूर की फिल्म बोल में वो यही क्या किरदार क्या परफॉर्मेंस थी उस बंदे की वाह वाह अच्छा व्हाट अबाउट सुहेल अहमद हो चुका है पहले मेरे जहन में था लेकिन हो चुका है अच्छा जी शुजात आशमी और राशिद महमूद दोनों ने नकाब में काम कर रखा है इन वे दोनों ने काम कर रखा है हम एक नकाब का नाम लेके इन दोनों को आउट कर सकते हैं जी भैया ये बताइए कि ड्रामा सीरियल नकाब नकाब में काम किया था इन्होंने सर यही मेन कास्ट में दो जो आपने नाम लिए दो ये हैं तीसरा असद मलिक है चौथा नैयर एजाज है पाँचवा इरफान खोसट है छठा जमील फखरी है सातवा कवि खान है ये दोनों आखिरी किरदार जो है ज़ाहिर अब हम में नहीं है और एक किरदार और याद रहे कि आसिम बुखारी वॉज ऑल्सो देर ये बड़े नाम है अब फैसला आपने खुद कर रहा है, है, जी? <laughs> नहीं, नहीं, कोई भी नहीं है सर चलो शुक्र है ये सारे हो <laughs> <laughs> नहीं, 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 उसके लिए हम आपको फिसिलिटेट कर रहे ना इसलिए बैठे भैया मुदस्तर <laughs> साहब जी कोई ढूंढ के लाए हैं जी कोई खास <laughs> नहीं सर आपकी नजरों के करीब करीब है बस वो झल हुआ हुआ मैं अच्छा। तो आज डर गया था फैसल सर भी आ गए तो मैं तो गया दस सवाल के अंदर ओके ऐसे होता नहीं अच्छा। नहीं है नहीं, दस दे पे दे तो खैर होता ही नहीं है सत्रह अठारह उन्नीस सवाल हो जाते हैं चाहे बिल्कुल आम सी शख्सियत ही क्यों ना हो तो इसलिए अमानुल्लाह को हमने मेरा ख्याल सत्रवे अठारवे में पूछा था असल में शो बेस में पर्सनालिटीज बहुत ज्यादा होती है ना बहुत पर्सनालिटीज होती है पाकिस्तान टेलीविजन और अमरीकी फिल्म बेपना अच्छा जी वो खयाम सरहदी निकल गए थे हमारे हाथ से वो तो अल्लाह भला करे मरहूम का कि एकदम ख्याल आ गया अच्छा ये हमने नहीं पूछा कि आजकल एक्टिव हैं रिटायर हैं क्या ये भी तो हो सकता है कि वो सिक्सटी से बहुत ही अब वो सेवेंटी के हो अंतहाई मुअमर हो लेकिन फिर भी सम सम ऑफ देम आर स्टिल वर्किंग या इट मेक्स सेंस बड़ा अच्छा सवाल है कीजिए कीजिए मुदरस साहब इस वक्त भी एक्टिव हैं कर रहे हैं काम जी सर अच्छा अब तो हमें पहुंचाना चाहिए जी 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 सोलह सवाल एक्चुअली तो मैं आजकल हाँ देख नहीं रहा ज्यादा देख मैं भी नहीं रहा लेकिन बहुत से ड्रामे ग्रीन पे आ रहे हैं बहुत से ड्रामे जो इस्लामाबाद का चैनल है जी जी नो उसका बैकग्राउंड भी पता है मैंने तो एक भी नहीं देखा उसका तो उन ड्रामों में कोई शख्स कोई किरदार लाहौर का कोई अहम किरदार लेकिन हो सकता है अभी वो बंदा कराची में हो क्योंकि है मेरे जहन में कोई नहीं आया फौरन आ, कराची जाइए कराची में आपको बड़े बड़े फनकारों में तो इसमें से रूल आउट हो जाएगा हो सकते हैं नहीं नहीं वो हमने एलिमिनेट कर दिए पहले हमने उमान पीरजादा को किसी के साथ ब्रैकेट किया था तो वो एलिमिनेट हो गए थे नॉट उस्मान सीनियर जर्नलिस्ट ना ना वो मुद्दी मुदी, मुदी। महमूद असलम भाई महमूद असलम महमूद असलम बुलबुला वेरी बिग एक्टर वेरी बिग एक्टर वेरी बिग एक्टर एंड अ वरफुल पर्सन

हम बूझ पाए या ना पाए लेकिन इनको ट्रिब्यूट पे करने का कसौटी से अच्छा कोई और तरीका नहीं है लोग याद ही नहीं करते भाई अच्छा जी मोदी भी हो गया एक साइड पे और वो हम कर चुके हैं ना नुमान एजाज हाँ वो नुमान एजाज भी हो चुका है दश्त में और कौन कौन था दश्त में असद तो था नुमान एजाज था और कौन कौन सर सर वो तो फिर पंजाब से निकल गए ना पंजाब के ये दोनों थे दोनों इछरा लाहौर के थे असद को भी कर चुके हैं आप। जी असद भी भी, ये सारे इधर से फारे। आ, आपको। तो सईद को भी पंजाब से ही काउंट करेंगे ना? नहीं भाई देखें उन्होंने कॉमेडी की तो हुई है लेकिन पंजाब से उनका ताल्लुक मुझे समझ नहीं आता एफ एस जे क्या कहते हैं आप नहीं डिपेंड करना है कि वो लाइफ। रहे हैं बहुत अच्छा अब जैसे वो है अपने मुस्तफा कुरैशी बोर्न इन हैदराबाद बट स्पेंड ऑलमोस्ट ऑल इज लाइफ इन लाहौर इन लाहौर लाहौर अच्छा 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 नहीं लेकिन बात डोमिसाइल की होती है ना जहाँ से आपकी पैदाइश हो जहां से आपका बाकी भले से आप जहां मर्जी रहे क्योंकि मुनवर सईद बड़ी अच्छी पंजाबी बोलते हैं आल्दो ही केम फ्रॉम इंडिया जी 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 बस फिर मुनवर सईद के गिर्द घेरा तंग कीजिए और आइए वारिस वारिस या खुदा की बस्ती वारिस की तरफ आए ना जी वारिस में आए तो दो एलिमिनेट होते हैं और औरंगजेब लगारी भी होता है ठीक है मुदस्सर साहब ये बताइए कि ड्रामा सीरियल वारिस की कास्ट में थे नहीं सर अच्छा। सवाल

मेरे ख्याल में जावेद शेख के पाए का कोई कोई वो है एक्टर कोई ये भी हो सकता है इन्होंने औरंगजेब भी पूछा हो खाजा इंसान वाला क्या भी कहते भी हैं आप इतना वेल नोन नहीं है हाँ वेल नोन तो नहीं है अच्छा जी कोई और बंदा देखें जो साथ-साथ फिल्म को भी टच करता रहो एक वो इजहार काजी थे वो फिल्मी थे ज्यादा ताल्लुक पंजाब से था लाहौर टेलीविजन सेंटर में मैं रिकॉल कर रहा हूं स्टूडियो ए स्टूडियो डी के आसपास कौन कौन नजर आते थे तोकीर नासिर आता है बार बार जहन में लेकिन वो तो एलिमिनेट हो गया दिस एज ग्रुप एक तो आपका झोक सयाल ड्रामा जी जी उसकी कार सोचनी चाहिए उसके वारिस हमने कर दिया वारिस कर दिया अब गयूर अख्तर एक कैरेक्टर थे ज्यादा कॉमेडी उन्होंने कर रखी थी लेकिन वो फौत हो गए फखरी अहमद एक बड़ा नाम था फौत हो गए जमील पंजाब। नाम था उनका वैसे दिया हुआ लेकिन फिरदौस जमाल तो कन्फर्म्ड के पी से है आ, वो तो है। बहुत बड़ा फनकार वो भी इसमें कोई शक नहीं अदाकार बहुत बड़ा इसके इसके देखे ना राशिद महमूद भी हम एलिमिनेट कर चुके हैं जितने

ऐसा एक्टर जो आजकल ड्रामो में एक्टिव हो उसी एज ग्रुप में उसी दौर में वो भी आ सकते हैं ये जो उसके सबा हमीद के शोहर हैं। आ, वसीम अबास। वसीम अबास भी है।, है ना बिल्कुल एंड ही इज एक्टिव ही इज वेरी वेरी एक्टिव इन कराची बट ही इज फ्रॉम पंजाब ही इज फ्रॉम पंजाब और आई आई एम श्योर जी 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 भट्टी के बेटे हैं ना जी चल इसी को नरो करें फिर इसको आ, इनके वालिद की तरफ जाएं क्योंकि बहुत कम हैं जिनके का फैमिली ट्री पूरा फैमिली ट्री जिसमें इनके वालिद भी फिल्मी हीरो रह चुके हैं ये सवाल बनता है बिल्कुल ये रेलेवेंस है इनायत भट्टी की बहुत रेलेवेंस है जी 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 मुदस्सर साहब इनके वालिद साहब फिल्मी हीरो रह चुके हैं जी सर जी सर कितने सवाल हुए मुदसर साहब का अठारह ये पहला सवाल है जिसका इब्तदाई सवालों के बाद इस बात में इस बात में अफर्मेटिव जवाब है जिसमें अच्छा ये बताइए कि बड़े मशहूर गायक भी थे इनके वालिद जी सर आखिरी सवाल इनके वालिद की फिल्म सज्जन प्यारा बड़ी मशहूर थी जी सर अब आपको पता नहीं है इनायत हुसैन भट्टी की ये फिल्म बड़ी सुपर डुपर हिट थी ये होगी जुल्म दा बदला ये भट्टी पिक्चर्स की आपने वसीम अब्बास पूछा अच्छा ये को खास वजह है मुदसर साहब आपकी कोई दोस्ती है उनके साथ या आपके फेवरेट एक्टर हैं या क्या है या आप भी गुजरात से हैं नहीं, नहीं सर मैं तो लाहौर से हूँ लेकिन सर एक्टिंग वाइज जो आप कह कि हमारे यानी जिस वक्त हम ड्रामे देखते थे उस वक्त उनका ड्रामा रेजा रेजा और फिर इनकी तो नासिर के साथ इनके कई ड्रामे आए सर लंडा बाजार में इन्होंने जो काम किया कोई शक नहीं कि ही इज अ रिमार्केबल एक्टर लंडा बाजार यस yes. एक ड्रामे में बल्कि अक्सर ड्रामों में इनके मद्दे मुकाबल हुआ करती थी ये सिद्दीकी आरफा सिद्दीकी एक ड्रामा था जिसमें इन दोनों कपड़ा बहुत रोमांटिक ड्रामा था इसका नाम ये जो आरफा सिद्दीकी है इसका नाम या मक्खी था या कीड़ी था क्या इसका निक नेम मक्खी या कीडी दैट आई रिमेम्बर अब मुझे नहीं पता उसमें खुर्शीद शाहिद भी थी तो चलें थैंक यू वेरी मच ब्रदर थैंक यू सर थैंक यू सर जी हमारे नेक्स्ट चैलेंज हैं हारून साहब अलकुम जी वालेकुम सलाम मैम कैसी हैं आप बिल्कुल ठीक वेलकम वंस अगेन हारून कसौटी वेटरन आप सबको सलाम वालेकुम वालेक। वालेक। सलाम शकील साहब फौरी तौर पर एहतियातन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान को थोड़ा सा <laughs> जो है ना खंगाल लें बल्कि लास्ट मिनट पे जो किताब देखते हैं ना अंदर जाने से पहले मेरा मशवरा है कि वो कर लें अभी मैंने पहला सवाल दागा नहीं है जी जी करें करें अच्छा जी शख्सियत मर्द है जी सर आप मर्द है जिंदा नहीं सर शकील साहब के होते हुए जिंदा हो सकता है क्यों <laughs> अभी हमने एक जिंदा तो शख्सियत है सारा इन्वॉल्व नहीं, नहीं होते फिर आप मजा नहीं आता एशियाई है जी जी बिल्कुल एशियाई सर पाकिस्तानी जी सर पाकिस्तानी साउथ एशिया जुड़ उड़ गया एक पाकिस्तानी शख्सियत जो जिंदा नहीं है जो जिंदा नहीं है जी शकील साहब अरुण साहब इनके इंतकाल को पचास साल से ज्यादा हो चुके हैं नहीं नहीं साहब साल से ज्यादा हुए। कर आप। 1998, 1998, और अब हम आए अगर शोबे की तरफ तो शोभा इसमें क्योंकि मोस्टली ये वही पूछते हैं ताल्लुक और से भाई जी और हुकूमत। 2000 के करीब इंतकाल शकील साहब सा पिछली दफा इन्होंने सिंध पूछा था उससे पहले भी इन्होंने दो मरतबा सिंध पूछ चुके हैं इन्होंने सर आगह खान भी पूछ रखा है ये भी पूछा इन्होंने अपना okay. Okay. थे जो अबुल हसन इस्फहानी एम्बेसडर थे हमारे वो पूछा था सर मुझे मजा आया था आपका पिटमैन का आइजिक पिटमैन का जो आप सर जफर इकबाल के टेलर की वजह से टेलर से ओ हो 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 पिटमैन जो, जो है ना मुझे टेलर याद रह गया एफएसजे डू यू रिमेम्बर नो और आपको वो टेलर भी याद है पिटमैन मुझे जो पिटमैन याद है ना वो ही वाज अ फोटोग्राफर अच्छा नहीं नहीं दिस गायज वेरी क्लोज टू नवाइवक ओल्ड नवाइवक बिल्डिंग नाउ ही इज ऑन क्वींस रोड एंड आई विल इनशालाम ऑल्सो दिस इज ऑन माई बकेट लिस्ट अल्लाह ने चाह तो एक ये और एक विजिटिंग मुस्तफा कुरैशी रोलो फोटोग्राफर का वो रोलो फोटोग्राफर रोलो जैदी एंड रोलो जैदी एंड रोलो ये दोनों बहुत पुराने थे पुराना लाहौर जानने वाले सिर्फ जानते हैं कि रोलो एंड जैदी जैदी तो अब भी है जैदीज मैं देख रहा हूँ अपनी तस्वीर पीएमए की रोलो ने खींची थी अच्छा रोलो ने वाह दीवार पे लगी है अच्छा 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 हमारी गवर्नमेंट कॉलेज की जैदीज की होगी शकील तुम्हारी तस्वीर भी कोई एक जैदीज की होगी अच्छा जी, जी।, जी। ताल्लुक भैया प्योर सियासत से है प्योर सियासत सर वो भी

कि पता नहीं एफ ई e. चौधरी था या क्या चौधरी था वेरी बेड टाइम्स जी 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 क्या नाम था उनका एफ e. चौधरी आई थिंक हाँ वो भी बड़े बाकमाल। उनके बारे में डॉक्टर जावेद असगर से पूछूंगा वो इल्म रखते हैं ऐसे मामला का डॉक्टर जावेद असगर डॉक्टर डॉक्टर्स हॉस्पिटल वाले जो है आई e. चौधरी इंडीड इन डीड ही वॉस मैं जिन दिनों नेशन में था ना नेशन में हमारे एक दो एक सैयद साहब थे आई डोंट रिमेम्बर इज नेम वो या एक और साहब उनसे फैज लिया करते थे रिकॉर्ड जब चाहिए होता था कोई तो उनको कंसल्ट करते थे अच्छा जी इधर आ जाइए ताल्लुक हमने डिटरमिन कर लिया है Not अच्छा जी ये बताइए कि इनका ताल्लुक अच्छा ये देख लें आपके उस दौर की अहम शख्सियात में से एक जो ट्रिकी हो सकती है वो जनरल मूसा हो सकते हैं क्योंकि जनरल मूसा गवर्नर थे मगरबी पाकिस्तान एफ एस जे बिल्कुल लेकिन ही केम फ्रॉम ही केम फ्रॉम कोटा फ्रॉम, फ्रॉम जवान टू जनरल फ्रॉम जवान बिल्कुल जवान टू जनरल

बलोचिस्तान बलोचिस अच्छा देखें जनरल मूसा वॉज फ्राम बलुचिस्तान तो एक एक करके शुरू कर देते हैं पंजाब से क्या ख्याल है पंजाब से ना करें तरतीब खराब ना करें लेकिन जेन में जो पर्सनैलिटी होती है वो अभी तो इतना वाइड है कि आपको इन एनी केस पूछना पड़ेगा अच्छा सर ताल्लुक हरुण साहब पंजाब से है जी सर पंजाब से है जी पंजाब से है तो इट इज नॉट जनरल मूसा खान अब अब आर्मी से ताल्लुक पूछिए अभी तक हमने क्या-क्या किया सर ताल एक शख्सियत पाकिस्तानी मर्द जिसका इंतकाल टर्न ऑफ द सेंचुरी पे हुआ ऑलमोस्ट 98 99 जी और जो 99 है ना ई टर्न ऑफ ये अभी रिसेंटली रिसेंटली और सियासत और हुकूमत से ताल्लुक था प्राइमली हुकूमत से ठीक है तो ये जियाउल दौर का कोई जनरल हो सकता है जयालक दौर का कोई कैरेक्टर हो सकता है भाई क्या भाई कहते हैं आपे? नहीं उस दौर का कोई कैरेक्टर गुलाम शाह ये जो है ना जी ये जनरल अतीक हो सकते हैं पंजाब से जनरल अतीक भी हो सकते हैं बिल्कुल हो सकते हैं शाहीन अतीक के वालिद पब्लिक सर्विस कमीशन के हेड रहे बहुत अच्छा सर गवर्नर भी रहे मेरा ख्याल है ये गवर्नर भी रहे फिर आर्मी को एक दफा रूल आउट कर लेना अच्छा मिलिट्री मिलिट्री से ताल्लुक था जी सर मिलिट्री से ताल्लुक था नूर खान हो चुके हैं पहले नूर खान हो चुके हैं नूर्खान, नूर्खान हो चुके बाद की है लेकिन खान हो चुके हैं हो भी चुके हैं ही वॉज फ्रॉम टमन दलाघ दस सवाल

आज हम नॉर्थ के शमाली साथ कंपीट कर रहे हैं नॉर्थ के साथ <laughs> वो भी कंपैरिजन करते हुए शर्माइए इफ यू इफ यू नो व्हाट आई मीन सही कह रहे हो शकील साहब आप घबरा रहे हैं जन लती क्यों ना उनका मशहूर था कि उनके पास कैंची होती है और टेप होती है इंच टेप भी नहीं होती हम बाल मेजर करने के लिए और नेट के लिए वाह

Hey. अच्छा अब नूर खान भी गवर्नर रहे हैं पब्लिक सर्विस कमीशन नूर, नूर खान पहले थी? हो चुके हैं मेरे भाई नूर खान को रूल आउट कर दो ओके okay. बस फिर तो जनरल तीक ही बचे कैंडिडेट मैं एक सवाल कह रहा हूँ पब्लिक सर्विस कमीशन के भी हेड रह चुके हैं उनकी साहबजादी वजीर रह चुकी हैं ये ज्यादा मजे का सवाल नहीं है ये भी है बट हमारे पास बहुत सवाल है अभी पहले ना सर पब्लिक सर्विस कमीशन का तो कोई भी हो सकता है को और भी हो सकता है साहबजादी किसी की वजीर नहीं रही जो <laughs> भी रहे और चले आप एक सवाल कर लें जो आपके दिल में आता है दोनों में से एक पूछ लें इनकी बेटी जो है वो वजीर भी रही है और उनका भी बहुत बड़ा नाम है एजुकेशन की नहीं तो ये दिस इज नॉट जनरल अतीक जनरल बिल्कुल अब आइए जनरल इकबाल जनल सवार जनरल स्वरूप जनरल टिक्का खान, सबार खान, जर्नल जर्नल खान। है ना आपका दोस्त जो है मकबूल खालिद मकबूल है। नहीं खालिद मकबूल तो सर बकायदे हयात है माशाल्लाह वो तो बहुत शानदार आदमी है वो बहुत उम्दा आदमी है जनरल खालिद मकबूल अच्छा जी टिक्का खान से

देखा ना और फिर उससे पीछे जाएंगे तो सवार खान और इकबाल मिलेंगे आपको ते ते यार। फिर नहीं जिलानी 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 खान चीफ ऑफ आर्मी भुट्टो यस लेटर नहीं नहीं वो गवर्नर बने थे जब बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट थी बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट में थे ना तो दैट आफ्टर जियाउल हक वो तो 89 अट्ठासी के बाद

जनरल इकबाल हो सकते हैं जनरल इकबाल जी जी जनरल इकबाल जनरल सवार खान दोनों सवार तो बरखाबाद की है उनकी इजी डेड आई नो क्योंकि नॉन जो नॉन कोलीग्स है ना नॉन कोलीग्स जनरल ज़ियाउल हक के उनके पांच प्यारों में से मेरा ख्याल है सिर्फ एक ही हयात हैं जनरल चिश्ती मुर्शद, he would address him as मुर्शद. और भुट्टो साहब का करते थे उस जर्नल को जरा बुलाओ जो अपने नाम के साथ अपनी डिग्री भी लिखता है एफएचएसटी e. <laughs> देखे ना भुट्टो साहब भी बाज नहीं आते थे भुट्टो साहब भी <laughs> पिंच करने से बाज नहीं आते थे एंड व्हाट अ हेवी प्राइस ही पेड फॉर ऑल दिस अच्छा जी जनरल सवार खान जनरल इकबाल एंड टिका खान अच्छा ये सवाल कितने 12 हुए जी आप

आर्मी चीफ वाली बात करके आर्मी चीफ भी और फिर ये ईस्ट पाकिस्तान में भी रहे थे सर वो तो जनरल साहबजादा याकूब भी रहे थे जनरल फरमान भी रहे थे बट ही नॉट गवर्नर ऑफ पंजाब हमने गवर्नर ऑफ पंजाब नहीं पूछा नहीं पूछा है ना हमने, पूछा, हमने पूछा है गवर्नर रहे है ना गवर्नर ऑफ पंजाब रहे जी पूछा था इन्होंने पूछा हां दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड अच्छा अरुण साहब ये बताइएगा कि ये शख्सियत आर्मी चीफ भी रही नहीं शकील साहब आर्मी चीफ नहीं रहे नहीं रहे सो so, टिका खान इज आउट एक बार वी आर लेफ्ट विद थ्री जनरल्स थ्री जनरल्स टू पर टू टू जनरल्स जनरल three generals, three generals, two, two uh, जिलानी जो है वो उनकी डेथ बाद में हुई है मेरा ऐसा ही है ना है। जी मेरा ख्याल यही है बाद की हाँ जी बारह तेरह दस ग्यारह बारह तेरह की है और वो इंटेलिजेंस के चीफ भी रहे थे एक ये भी तरीका है लेकिन गवर्नर इकबाल जो थे

वही वो बोल रसाले का अवसर था अच्छा। ना खुद जावला खुद भी रसाले का था ना बट इकबाल वाज़ नॉट नहीं इकबाल आई डोंट थिंक रसाले का था एलिमिनेट करें दोनों में से एक को रसाले के साथ जी हारून साहब इनका इनका जो आम था वो रसाला था नहीं है फैसले सो इट वाज़ नॉट सवार खान नो सवार खान नहीं हैंग ऑन मिक्सिंग अप राजा स्वरूप सवार खान सवार खान वॉज वाइस चीफ और स्वरूप तो बेनजीर भुट्टो के दौर में था गवर्नर हाँ वो तो मंजूर भट्टू की गवर्नमेंट जब उड़ाई गई थी तो ही बिकेम गवर्नर तो ये जनरल इकबाल ही बचते हैं अब ये पूछा जा सकता है जी सवार खान भी बचते हैं बिकॉज आई डोंट थिंक रिसाले के थे रिसाले के जो ना राजा स्वरूप थे नहीं लेकिन यू गो टू इकबाल खान इकबाल और उसमें आप यही पूछ सकते हैं कि अलामा इकबाल के हम नाम थे ये बड़ी जाती वाला सवाल है वैसे <laughs> क्योंकि उसका कोई और इस तरह की चीज तो नजर नहीं आ रही कि क्या उसका आप उसके क्यों नहीं कहते कि जो पहला गवर्नर लगाया था सीएमएलए ने डिप्टी तो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर इन पंजाब आप ये क्यों नहीं कहते पूछे जी हारून साहब जी साहब ये वो शख्सियत है जिनको जनरल जिया ने पहला गवर्नर लगाया था पंजाब का सर ये मुझे नहीं पता जनरल जिया ने पहला लगाया था ये इसके बारे में कंफर्म नहीं हूं इकबाल पहला था इकबाल पहला था सवार दूसरा था जिलानी सर, तीसरा था नहीं ये वो नहीं है पहले नहीं वाइस चीफ अवामी नहीं वाजा जी पहला नहीं था इट वाज नॉट इकबाल देन इट इज सवार खान सर हद होगी 16 सवाल ये चेक कर लें कि जिलानी की डेथ जो है वो कब हुई थी क्योंकि मोस्ट फेवरेट जनरल इनके जो सिविलियन दौर के साथ भी रहे वो जिलानी थे और जिलानी साहब इंटेलिजेंस में भी थे जी और उनकी जुमला खिदमत में एक नवाज शरीफ भी हैं जो तहफ उन्होंने हमें दिए थे उनमें से एक ये भी हैं। लेकिन उनकी डेथ मुझे लगता है थोड़ा बाद की है तो आपको लगता है ना यू आर नॉट श्योर अच्छा जी ये बताइए कि अच्छा पहले जिलानी हो तो नहीं चुके जनरल जिलानी ये बताइए कि इनके नाम का बहुत बड़ा पार्क है लाहौर में जी बिल्कुल है That's it. आ, खत्व। बात खत्व। इस के साथ बहुत बड़ी करने वाले और इंटेलिजेंस के चीफ भी रहे ही जी जी कौम के साथ ज्यादा करने वाले अच्छा जी इंटेलिजेंस चीफ भी रहे हैं हाँ जी रहे हैं सर आपने जनरल जिलानी पूछे बिल्कुल सर ऑलवेज बी रिमेंबर्ड एज वन ऑफ दिसंटी नाइन में सर नाइनटी में 99 ही डाइड इन 99 सर मैंने कहा था ऑलमोस्ट 25 क्या जी कहा था